बिल्कुल गलत बात है। निकाह जैसा भी है, चाहे वो जबरदस्ती का है, चाहे वो मर्जी का होता, उसका केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। निकाह का केस डिसाइड नहीं हो जाता तो अगला निकाह तो वैसे ही नहीं हो सकता। सेकेंडली, बच्ची माइनर है, सिंध के कानून के मुताबिक जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती निकाह तो हो ही जुर्म है ही। बेसिकली माइनर बच्चियों की शादी की लड़ रहा हूँ तो मैं खुद वही जुर्म कर लूँ, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जो सिटी कोर्ट में डेट हुई उस पर मैं सख्त मायूस हुआ। जज साहब के ऊपर एक अदम एतमाद का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये हाई कोर्ट से क्लियर डायरेक्शंस हैं कि ट्रायल कोर्ट पर कोई स्टे नहीं है, ट्रायल कोर्ट अपना काम करती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूँ और फैमिली कोर्ट ईस्ट के बिल्कुल सामने। मेरे साथ मेहदी काजमी मौजूद हैं, ज़हरा काजमी के वालिद हैं। आज दो केसेस की हेयरिंग होनी है फैमिली कोर्ट्स में। एक तो जो तंसीख निकाह की दरख्वास्त जो बच्चे की जानब से दायर की गई है उस पर भी समाप्त होनी है। कल जिस तरह ट्रायल कोर्ट में जो मुलजमान अदालत में पेश हुए थे उसमें अचानक ये हुआ कि जूनियर वकील जो थे मुलजम के, उन्होंने आकर ये कहा कि अदालत के सनाई कोर्ट में ट्रांसफ़र वाली एप्लीकेशन वहाँ पर पेंडिंग है और सीनियर भी वहाँ पर मसरूफ़ है, जिस पर अदालत ने जो है तारीख दे दी है और तारीख भी कोई 10-15 दिन की नहीं बल्कि एक महीने की तारीख दे दी है। 1.5 साल इस केस को होने वाला है। इस केस में अभी भी जो है 5 से ज़्यादा मुलजमान मफरू हैं, फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी है मुलजमान पर। मेहदी काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अचानक तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, क्या कहना है? कल जमाली भाई, मैं कल जो सिटी कोर्ट में डेट हुई उस पर मैं सख्त मायूस हुआ, क्योंकि देखिए डेट होनी किसी बामकसद तरीके से डेट हो तो समझ आती है, लेकिन एक चीज़ के ऊपर डेट होना कि जज साहब के ऊपर एक अदम एतमाद का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो जब उसका डिसीजन आ जाए तो इसलिए डेट हो जाना। हालांकि हाई कोर्ट से क्लियर डायरेक्शंस हैं कि ट्रायल कोर्ट पर कोई स्टे नहीं है, ट्रायल कोर्ट अपना काम करती रहे। अच्छा, ये हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं? जी बिल्कुल, ये बाकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ट्रायल कोर्ट अपना काम करती रहे। ठीक है, उसके बावजूद ट्रायल कोर्ट अगर अपना काम ना करे तो फिर काबिले अफसोस बात है। और जो हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त लगी हुई है उसमें भी ये नहीं पता कि अब हेयरिंग कब होनी है, कब नहीं होनी, क्योंकि जब कल मैंने डायरी चेक की तो वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी हाई कोर्ट की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली मैं, मेरे ख्याल से अदर साइड चाहती भी यही है कि केस को जितना प्रोलॉन्ग किया जा सके वो करें, ताकि एविडेंसेस आपको पता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उससे मुलजमान पर काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आज जो आपके दो केसेस लगे हुए हैं वो कौन कौन से केसेस, ताकि नाज़रीन को बता दें? देखिए, आज जैक्टिटेशन का केस है और कस्टडी का केस है, दोनों फैमिली कोर्ट में लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे टाइम बाउंड था, लेकिन अदर साइड आई और उन्होंने कहा कि जी हमारे वकील साहब बिजी हैं तो 11 बजे का टाइम रख दिया जाए। जज साहब ने उन्हें 11 बजे का टाइम रख दिया। अभी आज यहाँ पे मेरा बेसिकली फैमिली में जो कस्टडी का केस है इसके अंदर मेरा क्रॉस होना है, जो पिछली 5 अटैम्प्ट से नहीं हो पा रहा। हर बार इनको जो है ये डेट लेकर चले जाते हैं, हर बार इन्हें लास्ट मौका मिलता है कि अगर आप नहीं आएंगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई ये हीले बहाने बनाते हैं। इस दफ़ा देखिए 11 बजे ये क्या करते हैं, एज़ पर द रूल क्रॉस होना है, अगर क्रॉस नहीं होगा तो फिर जज साहब को एग्जेम्प्ट दे देनी चाहिए ताकि केस आगे बढ़ सके। तो जैक्टिटेशन सूट आपने फाइल किया, इसमें भी मुलजमान तो पहले आ ही नहीं रहे थे, जब केस एक्स पार्टी होने जा रहा था अचानक ये नमूदार हो गए और फिर ये इन्होंने जो है कहीं इनकी कोशिश ये तो नहीं है कि केस थोड़ा ज़्यादा लंबा चले और मुद्दई जो है थक हार कर मायूस होकर घर बैठ जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। जैक्टिटेशन वाले केस में तो ये एक्स पार्टी हो भी गए थे, लेकिन फिर इन्होंने उसके बाद जो अगली डेट आई उसके ऊपर आकर रिक्वेस्ट लगाई कोर्ट के अंदर कि हमें एक्स पार्टी से हटाया जाए, और जज साहब ने इन्हें मौका दिया। अब देखें, अब बेसिकली इनका मकसद यही है कि केस को जितना प्रोलॉन्ग करें ताकि मुद्दई जो है वो थक कर घर बैठ जाए। लेकिन क्या थक हारने वाले हैं? नहीं, मैं शायद ये मुझे भी नहीं जानते, मैं जब तक मेरी जान में जान है मैं केस लड़ रहा हूँ, और आप सबकी दुआएं, आप सबकी एफर्ट्स जो हैं इंशाल्लाह रंग लाएंगी और केस नतीजे पे पहुंचेगा। आप इस केस में मुतासर हैं और आप पर पहले भी कदकद लगते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे, अचानक एक और मुहिम जो शुरू हुई है, प्रोपेगेंडा शुरू हुई है, आपके ख़िलाफ़ एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने बच्ची की शादी करवा दी है। हमने वीडियो बनाई थी लेकिन फिर भी लोग उस पर जो है काफ़ी यकीन नहीं कर रहे थे, आज आप ख़ुद बताएँ कि इस बात पर कितनी सताकत है? बिल्कुल गलत बात है, आप जमाली भाई ख़ुद समझ सकते हैं कि
निकाह जैसा भी है, चाहे वो ज़बरदस्ती का है चाहे वो मर्जी का होता, वो एक उसका केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो जब तक उस निकाह का केस डिसाइड नहीं हो जाता तो अगला निकाह तो वैसे ही नहीं हो सकता। सेकेंडली बच्ची माइनर है, सिंध के कानून के मुताबिक जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती निकाह तो हो ही जुर्म है। तो वैसे भी मैं आपको पता है कि मैं एक जंग ही बेसिकली माइनर बच्चियों की शादी की लड़ रहा हूँ, तो मैं खुद वही जुर्म कर लूँगी ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अभी बच्ची अपनी जो लाइफ रूटीन में वापस आ गई है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कंटिन्यू किए हुए है। मेरी बस अल्लाह ताला से दुआ है और कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि ये जो केसेस स्पेशली फैमिली कोर्ट में चल रहे हैं ये जल्द से जल्द नतीजे पे पहुंचे ताकि बच्ची अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहदी काजमी साहब। आज भी ये अदालत में आए हैं और पेशी पर ही अदालत में आते हैं, चाहे ट्रायल कोर्ट हो या यहाँ पर फैमिली कोर्ट हो। दो आज केसेस लगे हुए हैं, तंसरी के निकाह का और कस्टडी का केस लगा हुआ है। आज देखते हैं कि आज भी मुलजमान अदालत में पेश होते हैं या उनके वकील पेश होते हैं, या आज भी जो है इनको तारीख मिलती है जैसे कल की केस में तारीख मिली थी। तो जो भी इस केस में अपडेट होगा हम आपको अपडेट देंगे।